सुमित भाई, इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे और साथ में G20 की मीटिंग भी थी, कुछ 46 फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? लेकिन आज मैं एक आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि अब डर है इनके अंदर कि अगर कोई इनके सामने खड़ा हुआ है तो मिस्टर मोदी हैं। अभी आप देखिए, डोकलाम हो, आज अगर कोई खड़ा हुआ है इनके सामने, अब जितने भी इनके इनके आसपास 18 कंट्रीज लगते हैं, सबके साथ इनका लफड़ा है और सब जगह पर ये जगह को, जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंडिया है जहां पर ये नहीं कर पाए। And I think the position of India now, this is again my view as an outsider, is potentially more powerful than it's ever been. तो जयशंकर की बड़ी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है। फॉक्सकॉन का आज ही आपने पढ़ा होगा, $700 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर, आज ही खबर आई, अभी आया कि 300 एकड़ का प्लांट कर्नाटका में लिया है फॉर वन मोर इनिशिएटिव। ये आज की बता रहा हूँ मैं, आज जस्ट कुछ सम आवर्स बैक। किसी भी चाइना को पूछो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिससे आपको डर लगता है वो कौन है, तो वो कभी भी अमेरिका नहीं बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे आज की डेट में। कि बैरून मुल्क जायदाद नहीं वहां पर, कोई तसव्वुर ही नहीं, दुबई में महल हो। इंडिया हैज गॉट अ सेंटर स्टेज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। चाइना को रियली इज इन अ क्रंच व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेटिक क्लाउड एंड पावर। तो इतना देखिए, सच में बताऊं, इतना चाइना की उम्मीद नहीं होगी कि इंडिया को इतना रिस्पॉन्स मिलेगा, पूरी दुनिया ही लगभग हो जाएगी। राइट। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन आपके साथ ये कि चाइना कैसे देखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंडिया को? हाँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द लाफ्टर विच आई यूज टू सी, जब मैं देखता था इनको इंडिया के ऊपर हंसते हुए, ये आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं और ये अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं और ये हमारे से फाइट करने की बात कर रहे हैं, ये हंसते थे हमारे ऊपर। लेकिन आज मैं एक आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि अब डर है इनके अंदर कि अगर कोई इनके सामने खड़ा हुआ है तो मिस्टर मोदी हैं। अभी आप देखिए, डोकलाम हो या आपका जम्मू कश्मीर में, जितने भी जितना जो कुछ भी हुआ है, आज अगर कोई खड़ा हुआ है इनके सामने, अब जितने भी इनके इनके आसपास 18 कंट्रीज लगते हैं, सबके साथ इनका लफड़ा है, तो बॉर्डर्स का झगड़ा है, कहीं सी का झगड़ा है और सब जगह पर ये जगह को, जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हड़पना इज द राइट वर्ड, राइट? हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंडिया है जहां पर ये नहीं कर पाए, जो पहले फ्री फॉल में कर रहे थे। कांग्रेस के टाइम पर हर एक साल अपने जो पोस्ट रहती है इनकी, आर्मी की पोस्ट, वो थोड़ी सी किलोमीटर, कुछ मीटर्स अंदर को, इंडिया के अंदर ये लेकर आते रहे, लेकिन आज की डेट में वो फ्रीज हो गया है। तो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी जो जमीन है 2000 किलोमीटर चाइना ले गया, कहीं ना कहीं वो सच्चाई भी है। वो उनके दौर पे, जब उनका दौर था, रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, उस वक्त ये जमीन चाइना ने हड़पी है हमारी, लेकिन आज की डेट में वो नहीं कर पा रहे। तो ये एक डर भी है। अगर आप चाइनीज से पूछे, किसी भी चाइना को पूछो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिससे आपको डर लगता है वो कौन है, तो वो कभी भी अमेरिका नहीं बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे आज की डेट में। वो बोलेंगे अमेरिका इज गॉन, इंडिया इज द नेक्स्ट थ्रेट बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी। सुमित भाई, इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे और साथ में G20 की मीटिंग भी थी, कुछ 46 फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये हमें भी बताएं कुछ ज़रा प्लीज़। देखिए जी, मतलब एक डायलॉग था बड़ा अच्छा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। रायसेना डायलॉग चल रहा था, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी, ये तीनों इवेंट एक साथ थे। और जाहिर सी बात, जब क्वाड की बात होगी, G20 की बात होगी, हर पहलू पे गौर किया जाएगा। और एक सिक्योरिटी, एक नेशनल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिस पे गौर किया गया। तो इंटेलिजेंस चीफों का आना, इंटेलिजेंस अपैरेटस में जो हमने एक दूसरे से सीखना है, क्या सीखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। इनफैक्ट G20 में अगर आपको याद होगा, वी हैव ऑल्सो ऑफर्ड अ लॉट ऑफ आवर इंटेलिजेंस, जो हमारे पास IPR इंटेलिजेंस, वी आर आल्सो ऑफर दैट टू G20 कंट्रीज टू यूज। मतलब ऐसा कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं हो रहा, ऑफर टू यूज। हमारा कोविन यूज कर रहे हैं लोग, हमने अपने UPI की बात की, आधार की बात की। इवन बिल गेट्स का स्टेटमेंट भी था कि UPI प्लस आधार इज डेडली कॉम्बिनेशन। तो जनधन आधार मोबाइल जैम, वो हमने बताया। तो जो भी हमारे पास चीजें थे, हमने बोला भाई आप हमसे यूज कीजिए, हमसे बेस्ट प्रैक्टिसेस समझिए, चीजें देखिए। टेररिज्म इज अ बिग थ्रेट, टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए, टेररिज्म की जो फंडिंग है वो उससे भी बड़ा थ्रेट है, क्योंकि टेररिज्म तब तक चलता जब तक उसकी फंडिंग चलती है। फंडिंग को कैसे कंट्रोल करोगे, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम आ रही है। और आपकी बार दो दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई, आपकी बार टेररिज्म और नार्को टेररिज्म को अलग अलग किया गया है। जो पहली बार क्या था, टेररिज्म को एज सच देखा जाता था। नाउ टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म इज अ डिफरेंट टर्म व्हिच हैज बीन कॉइंड दिस टाइम। सो नार्को टेररिज्म व्हिच इज फंडेड बाय द नार्कोटिक्स ट्रेड और विच इज बेसिकली डन टू अबाइड, मतलब ना कहना फैसिलिटेट नार्कोटिक्स ट्रेड। तो इस चीज के बारे में बात हुई। तो इन चीफों का आना, इनको अवगत कराना, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना, इनको ये समझना जरूरी है।
बाकी G20 की मीटिंग काफी बढ़िया रही। अब देखिए हमारे दोस्त भी आए थे और रायसेना में करीब 40 से 50 फाइनेंस मिनिस्टर्स आए, फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, और रायसेना इज बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। मतलब मोदी जी आए थे तो 2016-17 में शुरू हुआ था, आज हम 22-23 की बात करें, 5-6 साल में। और व्हाट आई लाइक्ड वाज द रशियन फॉरेन मिनिस्टर का स्पीच वाज ऑसम, और एंथनी ब्लिंकन साहब आए, सब आए। और यहाँ आपने देखा कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर, यूएस के फॉरेन मिनिस्टर चीमा साहब पहली बार 20 मिनट बात किए जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। दिस इज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव स्पोकन फॉर 20 मिनट्स। मैं ये नहीं कहता कि आपने कमरे में बंद करके बात करवाई, बट कहीं ना कहीं वी हैव प्लेड अ रोल इन फैसिलिटेटिंग सम काइंड ऑफ डायलॉग। तो भला अगर मैं देखूँ 100 कंट्रियों से ज्यादा की पार्टिसिपेशन थी रायसेना डायलॉग्स में, और 25 कंट्रियों के इंटेलिजेंस चीफ, 50 कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टर्स, फिर क्वाड की मीटिंग, फिर और डेलीगेशन, फिर और लोग, तो लगभग चीमा साहब आधी आधी दुनिया अभी दिल्ली में थी। और फिफ्थ पॉपुलस कंट्री, न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान वॉज नॉट देयर। तो ये भी एक चीज है जो मतलब दोनों साइड पहलू के बतानी चाहिए। तो मैंने कहा मैं दोनों चीज पहलू के बता दूं आपको। फॉक्सकॉन का आज ही आपने पढ़ा होगा $700 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर, आज ही खबर आई, अभी आया कि 300 एकड़ का प्लॉट कर्नाटका में लिया है फॉर वन मोर इनिशिएटिव। ये आज ही बता रहा हूँ, आज ही जस्ट कुछ समय वाज बैक। और चीमा साहब, चाइना को रियली इज इन अ क्रंच व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेटिक क्लाउड एंड पावर। और चाइना को ये देख रहा हूँ अभी तो SUV यही होना है इस साल, तो SUV यहाँ होगा। तो इतना देखिए, सच में बताऊँ, इतना चाइना की उम्मीद नहीं होगी कि इंडिया को इतना रिस्पॉन्स मिलेगा, पूरी दुनिया ही लगभग हो जाएगी।